नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे डेमोलिशन हैमर मशीन, जिसका मॉडल नंबर है PH95A। तो चलिए दोस्तों इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है दोस्तों इसका बॉक्स, और दोस्तों इस मशीन का वेट तकरीबन 18 kg है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक मेटल के सूटकेस में आती है, न्यूक्रॉन कंपनी की है ये डेमोलिशन हैमर मशीन, जो कि कंक्रीट वगैरह में काम आती है, ये लेंटर वगैरह तोड़ने में काम आती है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें मिलने वाली है इसके साथ। तो ये रहा इसका बॉक्स, आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर की मशीन है ये। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमें ये बिट साथ में मिलती है इस मशीन के, इस बॉक्स के अंदर ये बिट है दोस्तों, जिससे कि मशीन में लगती है। ये दो बिट हमें साथ में दी जाती है। तो ये रही मशीन, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी हैवी मशीन है ये, उठाने में काफ़ी भारी होती है, 18 kg जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये रही दोस्तों हैमर मशीन, जो कि इसको हम रोड ब्रेकर भी कह सकते हैं, ये रोड वगैरह तोड़ने के भी काम आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेटल की बॉडी से बनी हुई है, प्लस एल्युमिनियम की बॉडी भी है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये पावर यहाँ पे 3000 वाट की है, न्यूक्रॉन के नाम से आती है ये मशीन। और ये यहाँ पे दोस्तों ऑयल डाला जाता है, और ये आप नीचे की तरफ देख सकते हो यहाँ पे, और ये है दोस्तों बटन, जिससे कि मशीन ऑन ऑफ होती है। नीचे की तरफ यहाँ पे बिट लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रोड ब्रेकर मशीन में पहले हमें ऑयल डालना चाहिए, जब भी इस मशीन को चलानी चाहिए। इस कंपनी का आपको इसमें डालना होगा। इसमें दोस्तों तकरीबन 50 से 60 ml तक आपको इसमें ये ऑयल डालना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप यूज़ कर पाओगे। बिना ऑयल के दोस्तों मशीन नहीं चलानी चाहिए। तो अब इसको दोस्तों बंद कर देते हैं, हम इसको फुल्ली टाइट कर देंगे ताकि ऑयल वगैरह लीकेज ना हो। तो अब मैं इस बिट को यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ। ये लीवर को ऊपर की तरफ खींचकर मोड़ना होता है, फिर ये बिट बार बार नहीं निकलती है। और ये है दोस्तों प्लग, इस प्लग के साथ एक अडेप्टर ज्वाइंट करना होता है हमें। ये जैसे ही हम ज्वाइंट कर लेंगे तो ये मशीन हमारी ऑन हो जाती है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से ये स्टार्ट होती है।